नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। देश में कोरोना की दूसरी लहर से हर कोई परेशान है। वहीं देश में जब से कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, तब से लोगों में एक अलग टेंशन देखने को मिल रही है। अगर किसी ने वैक्सीन लगवा ली है तो दोनों डोज के बीच अंतर कितना है, इससे लोग कन्फ्यूजन में हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से दो बार कोविशील्ड को लेकर नियम बदले हैं। लेकिन इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे जिससे आपकी कन्फ्यूजन कुछ हद तक दूर हो सकती है। देखिए यह खास रिपोर्ट। भारत में जब से कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण शुरू हुआ है, तब से कोविड-19 वैक्सीन के दो डोज का अंतर कितना होना चाहिए, इसने बहुत कंफ्यूजन पैदा किया है। केंद्र सरकार कोविशील्ड को लेकर दो बार नियम बदल चुकी है। पहले 22 मार्च को दो डोज के अंतर को 4 से 6 हफ्ते से बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते किया गया। फिर 13 मई को अंतर बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया, पर कोवैक्सीन के डोज के अंतर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नई गाइडलाइन नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन की सिफारिश पर जारी है। इसके दो फायदे हैं। पहला, अधिक से अधिक लोगों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए वैक्सीन का एक डोज दिया जा सकेगा, और दूसरा, वैक्सीन की इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी। पर क्या दो डोज के बीच का अंतर इतना बढ़ाना आपके लिए सुरक्षित है? अगर आपको दो डोज 6 हफ्ते के भीतर लगे हैं तो क्या आपको चिंता होनी चाहिए? जानिए इसके पीछे छिपा विज्ञान क्या कहता है। इस फैसले के पीछे सरकार की दलील क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल के चीफ डॉक्टर बलराम भार्गव का कहना है कि दो डोज के अंदर को सिर्फ कोविशील्ड के लिए बढ़ाया गया है, कोवैक्सीन के लिए नहीं। ये फैसला वैक्सीन के पहले डोज की इफेक्टिवनेस के आधार पर तय किया गया है। ट्रायल्स में पता चलता है कि ये 12 हफ्ते तक असरदार रहता है, इस वजह से दूसरा डोज देरी से लगाने का फैसला किया गया। कोवैक्सीन को लेकर ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है, इस वजह से उसके दो डोज का अंतर नहीं बदला गया। डॉक्टर भार्गव आगे कहते हैं कि कोविड-19 की पहली वैक्सीन 15 दिसंबर को आई थी, तब से अब तक कोविड-19 वैक्सीन का साइंस इन्वॉल्व हो रहा है। हमें नई नई बातें पता चल रही हैं और उस अनुसार हम अपने वैक्सीनेशन कैंपेन में बदलाव ला रहे हैं। इसी कड़ी में जब पता चलता है कि कोविशील्ड का पहला डोज 12 हफ्ते तक असरदार है, तो हमने दो डोज के अंतर को बढ़ाया ताकि वैक्सीन की इफेक्टिवनेस बढ़ाई जा सके। जब एक डोज असरदार, तो दूसरा डोज लेने की जरूरत ही क्या है? सरकार की दलील से लगता है कि एक डोज ही हमें कम से कम 3 महीने तक प्रोटेक्शन देता है, तब दूसरे डोज की जरूरत ही क्या है? इस पर वैक्सीन वैज्ञानिक कहते हैं कि सभी वैक्सीन को खास तरीके से डिजाइन किया जाता है। जॉनसन एंड जॉनसन और स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के एक डोज शरीर में पर्याप्त प्रोटेक्शन विकसित करती है, पर बाकी वैक्सीन ऐसा नहीं करती है। उन्हें इफेक्टिवनेस के लिए दो डोज का रखा गया है। दो डोज वाली वैक्सीन में पहला डोज शरीर के एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को जगाता है, यानी उसे शरीर को ट्रेनिंग मिलती है और वो वायरस या पैथोजन को पहचाने और शरीर के इम्यून सिस्टम को सक्रिय करे। वहीं दूसरा डोज उस इम्यून रिस्पॉन्स को मजबूती देकर एंटीबॉडी को कई गुना बढ़ा देता है। इस वजह से सलाह दी जाती है कि अगर वैक्सीन की दो डोज के हिसाब से डिजाइन किया गया है तो उसके दो डोज लेने जरूरी है। कोविशील्ड के दो डोज का अंतर बढ़ाने के पीछे का विज्ञान आखिर क्या है? गाइडलाइंस में बदलाव कोविशील्ड के संबंध में कई केस स्टडी और क्लिनिकल डेटा के आधार पर किया गया। ये बताता है कि पहले डोज के कुछ हफ्तों बाद अगर दूसरा डोज लिया जाए तो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस काफी बढ़ती है। शुरुआती सिफारिशों में कहा गया कि कोविशील्ड के दो डोज में 4 से 6 हफ्ते का अंतर रखा जाए, उसके बाद उसे बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते किया गया। हालांकि क्लिनिकल रिसर्च बताती है कि अगर 8 हफ्ते से ज्यादा के अंतर से दो डोज दिए जाएं तो उसकी इफेक्टिवनेस 80% से 90% तक हो जाती है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ भारत में दो डोज का अंतर बढ़ाया गया है? नहीं, भारत से पहले ब्रिटेन और स्पेन में भी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के दो डोज के बीच 12 हफ्ते का अंतर रखा गया। वहाँ भी क्लिनिकली स्टडी में जब अंतर बढ़ाने का रिस्पॉन्स अच्छा दिखा तो ये फैसला लिया गया। डॉक्टर का भी कहना है कि अगर दो डोज के बीच का अंतर बढ़ाया जाता है तो कोरोना वायरस के खिलाफ IgE एंटीबॉडी रिस्पॉन्स दोगुना तक हो सकता है। आशा है इस वीडियो से काफी कुछ आप समझ गए होंगे वैक्सीन के अंतराल को लेकर, और ये क्यों अंतराल रखा गया है, किस तरह से एंटीबॉडी बनाता है, तमाम चीजें हमने आपको बताई है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।